हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मैप्स IAS एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम नंबर सिस्टम में पढ़ने जा रहे हैं यूनिट प्लेस डिजिट यानी इकाई का अंक। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? इकाई का अंक, इकाई का अंक यानी इकाई का अंक आप लोग निकालने जा रहे हैं। अब इकाई का अंक होता क्या है? जैसे मैंने आपसे कहा कि 12 का गुणा आप कीजिए किसमें? 12 में। 12 का गुणा 12 में किया, 12 क्या हो गया? 144। अब इसमें इकाई का अंक क्या है? इसमें आपका इकाई का अंक जो है वो क्या है? ये 4, लास्ट वाला जो 4 है ये आपका UPD है यानी यूनिट प्लेस डिजिट है, इकाई का अंक है। अब क्या होता है कि जो आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं तो इस टाइप से तो आपसे नहीं पूछेगा कि 12 का गुणा करके आपसे क्वेश्चन दे देगा और आपसे पूछेगा। अब एग्जाम में जब प्रश्न बनते हैं तो उसमें आपको ऐसे प्रश्न देता है, जैसे आपको लिख देगा 3 2 1, इसकी पावर 1 2 3 इंटू 2 1 6, इसकी पावर 1 2 6। अब इसका यूनिट डिजिट पूछेगा, ठीक है? इसका आपसे यूनिट डिजिट तो पूछने वाला है नहीं, आपसे पूछेगा इस प्रकार का यूनिट डिजिट आपसे पूछेगा, ठीक है? तो हम पहले इसकी भूमिका बना लेते हैं कि आपके प्रश्न कितने प्रकार के बनेंगे। देखिए, तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम क्या, इसी में सबसे पहले देखेंगे हम बेसिक कि बेसिक क्या होगा। फिर दूसरे नंबर पर आप जाएंगे मिक्स क्वेश्चन। फिर तीसरे नंबर पर देखेंगे आप लैंग्वेज पर यानी भाषा पर आधारित प्रश्न, और चौथा जो टाइप होगा आपका क्या होगा? फैक्टोरियल, फैक्टोरियल पर आधारित प्रश्न करेंगे। तो ये आपके 4 टाइप के प्रश्न बनेंगे, ठीक है? पहला होगा बेसिक, जो इसमें बेसिक हैं, ठीक है? सबसे मोस्ट बेसिक ही होता है, अगर आप बेसिक जान जाएंगे तो हर टाइप के प्रश्न आप लोग कर लेंगे, ठीक है? इसके बाद मिक्स यानी संख्या भी होगी उसमें, भाषा भी होगी, दोनों पर आधारित प्रश्न। इसके बाद लैंग्वेज पर आधारित प्रश्न, फिर फैक्टोरियल पर आधारित, ठीक है? तो ये इतने प्रकार के प्रश्न बनेंगे। अब देखिए, अगर मैं आपसे कह दूं कि इकाई का अंक लास्ट में क्या हो सकता है, तो लास्ट में इकाई का अंक जो हो सकता है, या तो आपका क्या 0 हो सकता है लास्ट में, 1 हो सकता है, 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब बताइए, क्या इन ये 10 डिजिट हैं, इन 10 डिजिट के अलावा क्या आपका इकाई का अंक और कोई हो सकता है? इनके अलावा कोई इकाई का अंक नहीं हो सकता है, क्योंकि नंबर सिस्टम में जितने भी आपके नंबर होते हैं टोटल नंबर 10 होते हैं। इन 10 को ही क्या बनाया जाता है? इन्हीं 10 को ऊपर नीचे अगल बगल में लिख के और नंबर बनाए जाते हैं, ठीक है? तो इन 10 नंबर से अलग कोई नंबर नहीं है, 0 से लगा के 9 तक, ठीक है? अब देखेंगे, अब देखना है इकाई अंक कि इनका इकाई अंक, जैसे 1 की घात लिखी है 123, ठीक है? 321 की घात 123 गुणा 216 की घात 126। अब इसे हम आसान तरीके से कैसे करें, इसे हमें देखना है। अब देखिए, अब इनकी होती है साइक्लिसिटी, किसी भी नंबर का चक्रण होता है कि कोई नंबर होता है कि वो लास्ट के 2 डिजिट तक में ही कट जाता है, कोई नंबर लास्ट के 3 डिजिट लेता है, कोई नंबर लास्ट के 4 डिजिट लेता है, ठीक है? तो ऐसे एक करके एक साइकिल सिटी होती है यानी चक्रण होता है संख्याओं का, ठीक है? तो इन संख्याओं का चक्रण देखेंगे तो पहले हम देख लेंगे 0 1 5 और 6, इनकी साइकिल सिटी होती है 1। कैसे साइकिल सिटी? इनकी साइकिल सिटी कितनी होती है? 1 होती है। अब कैसे होती है? जैसे आप क्या करेंगे कि 0 की घात, या हम 5 की घात लेते हैं,
तो पांच की घात आपने एक चढ़ाई तो क्या आएगा, पांच एकम पांच, पांच की घात दो चढ़ाई तो कितना होगा, पचम 25। ठीक है, पांच की घात मैंने तीन चढ़ा दी तो कितना हो जाएगा, 25 पंचे 125। अब पांच की घात मैंने चार चढ़ा दी तो कितना हो जाएगा, 625 हो गया। अब देखिए इकाई का अंक देखना है, तो इकाई का अंक देखिए, पांच की घात एक है तो कितना आ रहा है, पांच, पांच की घात दो है तो इकाई अंक कितना आ रहा है, पांच, पांच की घात तीन है तो इकाई अंक कितना आ रहा है, पांच, पांच की घात चार है तो इकाई अंक यानी यूपीडी यूनिट प्लेस डिजिट कितना आ रहा है, पांच आ रहा है। क्या इससे कोई अलग आ रहा है, नहीं आ रहा है। इसी प्रकार का हम देखेंगे किसका, इस सिक्स का देख लेते हैं। अगर आप सिक्स की पावर एक करते हो तो कितना आएगा, छः आएगा, फिर छः की घात एक, छः की घात कितनी, छः की घात दो करते हो तो कितना आएगा, 36। छः की घात अगर आप तीन करते हो तो कितना आएगा, 216। और छः की घात अगर आप चार करते हो तो कितना आएगा, 1296 आएगा। अब देखिए यूपीडी यानी यूनिट प्लेस डिजिट कितना आ रहा है लास्ट में, इकाई का अंक 6, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6। इस आगे वाले से आपको कोई मतलब नहीं है, आपको इकाई का अंक देखना है यानी लास्ट का अंक देखना है। अगर आपसे दहाई का अंक कहते तो आप ये दूसरा अंक देखते, लेकिन हमसे तो कहा गया है कि इकाई का अंक निकालिए। तो इनकी साइकिल सिटी कितनी होती है, 0, 1, 5 और 6, यानी इनकी साइकिल सिटी होती है सिर्फ कितनी, एक होती है। यानी अगर किसी भी संख्या के अंत में या लास्ट में आपके ये अंक आए तो यूपीडी क्या होगा, सेम डिजिट होगा, सेम डिजिट होगा, क्या होगा, सेम डिजिट होगा। अगर किसी भी संख्या के अंत में 0 आए, 1 आए, 5 आए या 6 आए तो इनका यूपीडी क्या होगा, अगर लास्ट में 0 आता है तो 0 होगा, 1 आएगा तो 1 होगा, 6 आएगा तो 6 होगा। अब जैसे आपको ये प्रश्न दिया था कि 321 की घात कितना, 123, और 216 की घात 126। अब पावर कितनी भी चढ़ी हो हमें इससे कोई मतलब नहीं, हमें पता है कि इकाई का अंक एक है तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, एक, इससे कोई मतलब नहीं। ऐसे ही यहाँ पर 6 है तो 6 का क्या होता है, वही नंबर होता है यानी इंटू 6, यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, 6। अब बताइए किसी को यहाँ तक दिक्कत तो बताइए, ठीक है, इनके यूपीडी क्या होंगे, जो सेम नंबर है वही नंबर इनके यूपीडी होंगे। अब थोड़ी सी संख्या बना लेते हैं, ठीक है। अब इसके बाद ये तो हो गया कि इनके सेम यूपी डिजिट क्या होंगे, यूपीडी क्या होंगे, सेम होंगे। अब इसके बाद हम देखते हैं इसकी साइकिल सिटी कितनी है, एक है। अगर किसी भी संख्या के लास्ट में ये चार अंक आए तो इनका यूपीडी क्या होगा, यही चार अंक होंगे, ठीक है। किसी भी संख्या के बीच में या बाद में क्या आए, ये चार अंक आए तो इनका यूपीडी सेम यही होगा। अब जैसे मैं आपको क्वेश्चन दे दूं, ठीक है, जैसे आपको प्रश्न करा दूं कि 2, 3, 0 इसकी पावर 1, 2, 3 गुणा, इसके बाद क्या है, 1, 2, 4, 6 इसकी पावर 7, 8, 9, ठीक है। इसके बाद मैं आपको कोई संख्या दे दूं कि 216 की पावर 216, ठीक है, 105 की पावर 1005, इसका यूपीडी निकालना है यानी यूनिट प्लेस डिजिट निकालना है, इन सब के कितने आएंगे, ठीक है। इसके बाद दे दूं कि 111 की घात 121, इनके यूपीडी कितने आएंगे, क्रमशः आप लोग बता सकते हैं कि इनके यूपीडी कितने आएंगे, ठीक है। अब मैंने आपसे कहा है
कि इकाई का अंक अगर 0, 1, 5 और 6 हो तो उनके यूपीडी क्या होते हैं, सेम वही नंबर होता है। तो यहाँ क्या है, 0 है और यहाँ क्या है, 6 है। तो यहाँ से ले लेंगे 0 और यहाँ से यूपीडी कितना आ गया, 6। अब घात जितनी चाहे हो, अब 6 की अगर घात आपने यहाँ करके देखी थी कितने बार, 4 बार, और कोई भी नंबर हो वो 4 से ज़्यादा उसकी साइक्लिसिटी हो नहीं सकती। ये मैं आपको अभी इसके आगे बता रहा हूँ, ठीक है। अब 0 0 को गणा किसी भी संख्या में करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। अब यहाँ पे इकाई अंक क्या है, 6। अब इस 6 की घात जितनी 4 हो क्या आएगा, इकाई अंक यानी यूपीडी 6 ही होगा। इसके बाद 5, 105 की घात 1005 है, तो इकाई का अंक 5 है तो यूपीडी क्या होगा, 5 होगा। अब 111 की घात 121 है, इकाई का अंक 1 है और मैंने कहा है क्या होता है, सेम यूपीडी यानी 1 होगा। अब क्या इससे अलग कोई यूपीडी होगा, आपको विश्वास नहीं हो रहा हो तो क्या करिएगा, विश्वास नहीं हो रहा है तो आप निकालना ही चाहते हैं तो ऐसा कीजिए कि 25 की घात 7 निकाल लीजिए, यानी 25 का गुणा 7 बार कर लीजिए, अगर यूपीडी इससे अलग आए तो कहना, ठीक है, इकाई का अंक। अब देखिए ये तो हो गया हमारा क्या, 0, 1, 5 और 6। अब इसके बाद आते हैं हम किस पर, 4 और 9 पर, 4 और 9 पर आते हैं। इनकी साइकिल सिटी होती है 2, क्या होती है, इनकी साइकिल सिटी होती है क्रमशः 2 होती है। अब 2 कैसे होती है, इनकी साइकिल सिटी होती है 1, इनकी साइकिल सिटी होती है 2, ठीक है। अब 2 कैसे होती है, अब 4 की घात लिखेंगे क्या, 4 की घात 1 बराबर कितना होता है, 4, 4 की घात 2 बराबर कितना होता है, 16, फिर 4 की घात 3 बराबर कितना होगा, 64, 4 की घात 4 कितना होगा, 216, कितना हो गया, 216 हो गया। अब इसके बाद ये तो इकाई अंक क्या आ रहा है, 4, फिर दूसरे पर 6, फिर देखिए एक घात और आगे आ रही तो फिर से 4 आ रहा है, इसके बाद फिर से 6 आ रहा है, यानी आप क्या समझे कि अगर 4 की घात विषम आती है, देखिए 4 की घात ऊपर यानी 4 की पावर 1 विषम है और 4 की पावर 3 भी विषम है, तो अगर 4 की घात विषम आती है तो नंबर क्या आएगा, 4, यानी वही नंबर आएगा। और अगर 4 की पावर सम आती है, देखिए 4 की पावर 2 और 4 की पावर 4, तो क्या आता है, नंबर, नंबर क्या आएगा, यानी नंबर 6 आएगा। तो इनकी साइकिल सिटी होती है 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ देखेंगे 9 की साइकिल सिटी, यानी 9 की घात 1 चढ़ाएं तो क्या आएगा, 9 एकम 9, 9 की घात 2, 9 इनाम 81, यानी यूनिट प्लेस डिजिट आएगा 1। अब 9 की घात 3 चढ़ा दें तो कितना होगा, 729, कितना हो जाएगा, 729। और 9 की घात अगर 4 कर दें, 9 की घात 4 कर दें तो कितना आएगा, 9 इनाम 81, यानी यूनिट प्लेस डिजिट 1 आ जाएगा। यहाँ पर यूनिट प्लेस डिजिट कितना आ गया, यहाँ पर आ गया 4, यहाँ पर 1, यहाँ पर 9, यहाँ पर 1, यानी 4 के बाद फिर से रिपीट हो रहा है। ये कितने बाद हो रहा है, यानी ये 2 के बाद फिर से वही संख्या रिपीट हो रही है, किसके बाद, 2 की घात के बाद रिपीट हो जाती है। देखिए पहली घात के, पहली घात पर तो उसका आंसर 9 आया, दूसरी घात पर कितना आया, 1, और तीसरी घात जब हमने 9 की घात 3 किया तो कितना आ गया, फिर से 9 आ गया, ठीक है। इसकी घात आपने 4 किया तो कितना आ गया, 1, लेकिन इसकी घात जब आप 5 करोगे तो फिर से क्या आएगा, 9 आएगा। देखिए 9 की घात अगर हम 5 करते हैं तो फिर से आंसर क्या आएगा, 9 आ जाएगा, यानी यूपीडी 9 आ जाएगा। अब देखिए, अब देखना है आपको यहाँ से, यहाँ से देखेंगे कि अगर 4 की पावर क्या है, ऑड है, यानी विषम है, 4 की घात क्या है, विषम है, तो यूनिट प्लेस डिजिट आएगा 4, और अगर 4 की घात सम है यानी इवन है, तो
तो क्या आएगा, 6 आएगा। ऐसे ही अगर 9 की घात ऑड है, 9 की घात क्या है, ऑड, 9 की घात ऑड है तो क्या आएगा, सेम नंबर यानी 9 ही आएगा। और अगर इवन है, इवन यानी सम है, तो कितना आएगा, यूपीडी 1 आएगा। अब जैसे मैं इसे बना दूं, यहीं पे लिख देंगे कि अगर 4 की घात क्या है, 4 की घात अगर ऑड है तो यूपीडी क्या आएगा, यूपीडी यानी यूनिट प्लेस डिजिट क्या आएगा, सेम वही नंबर आएगा यानी 4 आएगा, ठीक है। और अगर इसकी घात इवन है, इवन यानी सम है, तो क्या आएगा, 6 आएगा। ऐसे ही 9 की घात अगर ऑड है तो नंबर क्या आएगा, 9 ही आएगा। और अगर इसकी घात इवन यानी सम है तो क्या आएगा, तो आएगा 1 आएगा। क्या समझे, कि अगर 4 की घात ऑड है यानी 4 की पावर या घात विषम चढ़ी हुई है तो नंबर 4 ही आएगा, और अगर 4 की पावर सम है तो नंबर 6 आएगा, ठीक है। ऐसे ही 9 की घात ऑड है तो वही नंबर आएगा यानी 9 आएगा, और अगर 9 की घात इवन है तो नंबर आएगा 1 यानी 9 की घात इवन सम है तो क्या आएगा, 1 आएगा। अब देखिए, जैसे मैं आपको कोई एक प्रश्न दे दूं, जैसे आपको दे दूं कि 4 की पावर 8 और 4 की पावर 7, 4 की पावर 12 और 4 की घात 13। अब इनके यूपीडी निकाल ले हैं, क्या निकाल ले हैं, यूपीडी निकाल ले हैं। अब क्या करेंगे आप, 4 की घात 8 निकालेंगे नहीं, 4 की घात चढ़ी है 8, लेकिन ये क्या है, इवन यानी सम है, सम है तो यूपीडी क्या होगा, सम होने पर क्या होगा, 4 की घात 2 चढ़ा देंगे, क्या होता है, 4 × 16 यानी क्या आ गया, यूपीडी 6 आ गया, ठीक है। ऐसे ही 4 की घात सम है, सम है ये विषम है यानी ऑड है, यहाँ पे क्या है, ऑड है, 7 क्या होता है, विषम नंबर होता है, तो 4 की पावर ऑड है तो क्या होगा, 4 की पावर 1 चढ़ा देंगे, कितना आ जाएगा, स्वयं 4 आ जाएगा। ऐसे ही 4 की घात फिर से इवन है तो 4 की घात 2 चढ़ा देंगे, कितना आ जाएगा, 16 यानी यूपीडी 6। इसके बाद 4 की पावर 13 है तो 4 की घात 13 मतलब ऑड है, तो क्या कर देंगे, 4 की पावर 1 चढ़ा देंगे, क्या आ जाएगा, वही 4 आ जाएगा। बताइए इसमें किसी को दिक्कत हो तो बताइए, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए, अब ये तो हो गया 4 का, अब इसी को देखें आप, किसका, 9 का, यानी 9 का कैसे करेंगे। अब देखिए, जैसे मैंने कहा कि 9 की पावर आपकी दी हुई है 5 और 9 की घात दे दी 6, 9 की घात दे दी 7, 9 की घात दे दी 8, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, इनके यूपीडी क्या होंगे, घात क्या है, विषम है, तो विषम होने पर वही है यानी 9 की घात 1 चढ़ जाएगा, वही क्या आ जाएगा, 9। इसके बाद घात क्या है, सम है, सम है यानी 9 की घात 2 कर देंगे, कितना हो गया, 9 × 81 यूपीडी 1, यूपीडी कितना आ गया, 1। ऐसे ही 7 की घात विषम है तो क्या होगा, 9 की पावर 1 चढ़ा देंगे, क्या आ जाएगा, यूपीडी 9। और 9 की घात विषम है, 8 है यानी विषम है, तो क्या चढ़ा देंगे, 9 की घात 2, 81 यूपीडी 1। अब बताइए, अब किसी को यहां तक दिक्कत हो तो बताइए, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब इसके कराता हूं मैं आपको अच्छे प्रश्न, ये तो हो गए आपके छोटे से प्रश्न, अब थोड़े बड़े प्रश्न देखिए, ठीक है। जब घात बढ़ जाए तो क्या करेंगे, तो इन प्रश्नों को भी आप लोग आराम से कर सकते हैं। अब ऐसे प्रश्नों में आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब प्रश्न लिखिए 324, प्रश्न क्या लिखेंगे, 324 की घात 871। दूसरा प्रश्न है, ये पहला है, दूसरा प्रश्न लिखेंगे
964 की घात 834 यूपीडी निकालना है। तीसरा प्रश्न लिखेंगे 9329837 इसकी पावर है। प्रश्न नंबर चौथा लिखेंगे क्या है 839 इसकी पावर क्या है 8324 इनके यूपीडी आपको निकालने हैं। ठीक है इनके यूपीडी आपको निकालने हैं कितने आएंगे। ठीक है अब यूपीडी आप लोग आराम से निकाल सकते हो। इनके यूपीडी निकालें कितने आएंगे देखिए। अब आपको दिया है कि इकाई अंक यानी चार की पावर देखना है क्या है सम है या विषम है। ये अंक इकाई का अंक चार है और इसकी घात ये क्या है विषम घात है यानी विषम घात है तो चार की पावर हो जाएगा एक बराबर यूपीडी कितना आ जाएगा चार। ऐसे ही इस चार की घात कितनी है चार की घात ये सम है क्या है 834 क्या होता है सम होता है तो इसकी घात चढ़ा देंगे दो बराबर कितना आ गया चच्चों को 16 यानी 6 आ गया यूपीडी इकाई का अंक आ गया। ऐसे ही 9 है और 9 की घात क्या है विषम है तो 9 की घात 1 चढ़ा देंगे बराबर कितना आ गया 9 यूपीडी। इसके बाद 9 की घात क्या है सम यानी इवन नंबर है तो इवन नंबर है तो 9 की घात 2 चढ़ा देंगे यानी कितना 81 तो यूपीडी क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब इसी के आप फर्जी क्वेश्चन देखिए इसी के फर्जी क्वेश्चन कैसे बनते हैं उन्हें भी देख लीजिए। जैसे आपको ये दिया है कि 834 की पावर 34 की पावर 35 की पावर 36 की पावर 37 ठीक है। इसके बाद दिया है आपको 69 की पावर 69 की पावर 70 70 की पावर 71 71 की पावर 72 72 की पावर 73। अब इसके बाद दे दें आपको कि 59 की पावर 60 61 62 63 64 ठीक है। इसके बाद आपको दे दें 64 की पावर 65 65 की पावर 66 66 की पावर 67 67 की पावर 68 तो इनके यूपीडी क्या होंगे। अब ये होते हैं फर्जी क्वेश्चन आपसे कह देगा कि इनकी इनके यूपीडी क्या होंगे और आपको निकालने में हो रही होगी कन्फ्यूजन ठीक है कि 834 की पावर 35 35 की पावर 36 36 की पावर 37 कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है यहाँ पर कितना है 69 की पावर 70 70 की घात 71 71 की घात 72 72 की घात 73 तो कैसे सॉल्व करें। इसके बाद दिया है 59 59 की 61 61 की 62 62 की 63 63 की 64। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे आप लोग एक बार सोच के देखिए अपना दिमाग लगाइए। अब देखिए यहां मैं थोड़ा साफ कर दूं ये आप लोगों ने बना लिया होगा ये क्या है आप लोगों ने बना लिया होगा। अब मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूं कि देखिए ये जो इसकी घात चढ़ी हुई है 834 की घात 35 36 और 37 ये क्या होता है कि किसी भी अगर घात कितना है यहां पर सम नंबर है अगर किसी भी इवन नंबर की पावर आपकी कुछ भी हो नंबर क्या आएगा इवन ही आएगा। किसी भी इवन नंबर की कितनी भी घातें हों और घात पर घात भी हों कितनी भी घातें हों लेकिन यहाँ क्या होना चाहिए आधार में अगर सम नंबर है उसकी घात कितनी भी चढ़ी हुई हों तो बराबर में सम नंबर आएगा। इसके बाद ये नंबर आपका ऑड है और इसकी घात यानी पावर कुछ भी हो बराबर में जो नंबर आएगा वो ऑड ही आएगा। क्या समझे कि नंबर कोई भी हो बराबर में आपका ऑड नंबर ही आएगा ये आप लोग कॉन्सेप्ट बिल्कुल ध्यान रखें।
ठीक है, ये आपने इतना लिख लिया है, ठीक है। अब इसे करना है सॉल्व, तो किस तरीके से करेंगे देखिए। चार की घात, चार की घात कितनी है, पहली घात 35 है, चार की घात 35 है, 35 क्या होता है, विषम नंबर होता है, और चार की घात जब भी विषम नंबर आए तो क्या करेंगे, चार की घात एक चढ़ा देंगे, तो कितना आएगा, चार एकम चार आएगा। अब इससे हटके आप इसकी पावर जितनी चार कर दें, इसकी पावर क्या कर दें 36 कर दें, चार उसकी पावर 37 कर दें, 37 की पावर 38 कर दें, आएगा क्या, सम नंबर ही आएगा। अब देखिए 69 की पावर क्या है, 70 है, 70 क्या है, इवन नंबर है, और जब 9 की पावर इवन नंबर हो तो घात किसकी चढ़ाते हैं, 2 की घात चढ़ाते हैं, यानी 9 की घात चढ़ा देंगे 2 तो क्या आएगा, 1 आएगा। अब इसकी पावर चाहे आप 71 लो, चाहे 72 लो, चाहे 74 लो, चाहे 78 लो, चाहे 69 लो, कुछ भी लो, क्या आएगा, 1 ही आएगा, इससे हटके नहीं आएगा। अब देखिए 9 की घात क्या है, 61 है, 61 क्या है, ऑड नंबर है, 61 क्या है, ऑड नंबर है, और जब 9 का ऑड नंबर निकालते हैं तो कितना आता है, 9 ही आता है, यानी इसका यूनिट प्लेस डिजिट क्या होगा, 9 होगा। अब इस 9 की पावर चाहे आपकी 62 हो, 63 हो, 64 हो, पावर पे पावर कुछ भी हो, क्या होता है, अगर इसकी पावर इवन की पावर आपने एक बार पावर निकाल ली और नंबर आया इवन, अब इसकी जितनी चाहे पावर चढ़ा दो, इवन नंबर से हट के नहीं आएगा, आप लोग निकाल सकते हैं। इसके बाद नंबर दिया है आपका 4, और 4 की पावर क्या है, ऑड है, और ऑड होने पर क्या होता है, 4 की घात 1, यानी नंबर क्या आएगा, 4, यूपीडी कितना आएगा, 4, इससे हटके नहीं आ सकता, जो आपका नंबर दिया है वही आएगा, इससे हटके नहीं आएगा, ठीक है। तो ये हमारे कॉन्सेप्ट हैं कि किसी भी इवन नंबर की पावर कुछ भी हो, नंबर इवन आएगा, ठीक है, और किसी भी ऑड नंबर की पावर कुछ भी हो, नंबर ऑड आएगा। यहाँ आपने देख लिया है कि 4 की घात 35 थी, पहले हमने 4 का यूपीडी निकाला, यूपीडी 4 की पावर 1 आया, और इसके बाद 4 ही आएगा, चाहे पावर कितनी भी चढ़ी हो, ये कितनी भी पावर चढ़ी हो, ये होते हैं फर्जी क्वेश्चन, समझे मेरे दोस्त। तो इसके अलावा और कुछ भी नहीं हो सकता। अब देखेंगे, ये तो हो गया आपके ठीक है, तो इस टाइप के आपके प्रश्न बनते हैं, ये मैंने आपको बता दिया, इसे आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब आप क्या करेंगे, ये हो गए आपके कितने, 1 हो गया आपका, 0 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, और 9 हो गया, और 4 हो गया, ठीक है, इसकी आप लोगों ने श्रृंखला ऐसी बना ली होगी। अब देखना है, अब अंक बचते हैं हमारे 2, 3 और 7, क्या बचता है, 2, 3 और 7 बचता है। अब इनके यूपीडी निकालना है, तो इनके यूपीडी कैसे निकालेंगे, इसे भी आप लोग देख लें। अब देखिए, हमारी सिर्फ 4 संख्याएं बचती हैं, कितनी, अब आपका यहाँ पर बच रहा है 2, 3, 7 और 8। यदि किसी भी नंबर या संख्या के बाद 2 आए, 3 आए, 7 आए और 4 आए, तो इनकी साइकिल सिटी कितनी होती है, 4, क्या साइकिल सिटी यानी चक्करण 4 होता है, कैसे, जैसे आपने निकाला कि 2 की घात 1 कितना आएगा, 2, 2 की घात 2 कितना आएगा, 4, 2 की घात 3 कितना आएगा, 2 की घात 3 कितना आएगा, 8, 2 की घात 4 कितना आएगा, 16, अब इसके बाद 2 की घात 5 कितना आएगा, 16 दूनी 32, 2 की घात 6 32 दूनी 64, अब 2 की घात 7 कितना आएगा, 4 दूनी 8 6 दूनी 12 128, 2 की घात 8 कितना आएगा, 8 दूनी 16 यानी कि 6, 12 दूनी 24 125 यानी 256। अब देख लीजिए, यानी इनका इकाई अंक क्या आएगा, अगर 2 की पावर 1 है तो इकाई अंक आएगा 2, 2 की पावर 2 तो 4, 2 की पावर 3 तो 8, और 2 की पावर 4 तो 16, ठीक है। अब इसमें एक चीज और होती है,
कि जैसे घात लगी हो, अब इस दो की पावर कितना लगा है, आठ लगा है, तो अब इसमें देखने हैं आपको रिमाइंडर। रिमाइंडर कैसे कि अगर इसकी दो की पावर एक है तो रिमाइंडर कितना होगा, एक होगा, और दो की पावर दो है तो रिमाइंडर कितना, दो, दो की पावर तीन रिमाइंडर तीन, दो की पावर चार तो रिमाइंडर तो होगा जीरो लेकिन घात चढ़ाएंगे क्या, चार। रिमाइंडर होगा जीरो लेकिन घात चढ़ाएंगे चार। अब जैसे मैं कह दूं कि दो की पावर 48 को सॉल्व कीजिए, तो दो की पावर क्या 48 निकालेंगे, नहीं निकालेंगे। अब इसमें इस 48 में हम देंगे चार से भाग, कितनी बार चला जाएगा, यानी चार चार 48 में चार से भाग देने पर शेष क्या बचेगा, शेष कुछ नहीं बच रहा, यानी दो की पावर जीरो, दो की पावर जीरो यानी दो की घात, रिमाइंडर क्या बचा, रिमाइंडर बचा जीरो, तो घात क्या चढ़ाएंगे चार। ऐसे ही मैंने कह दिया कि दो की पावर 47 इसको निकालिए, इसमें हम चार से देंगे भाग और देखेंगे कि रिमाइंडर क्या बचा, तो रिमाइंडर क्या बचा चार एकम चार, और चार एकम चार रिमाइंडर कितना बचा तीन, तो दो की घात चढ़ा देंगे तीन। इसके बाद दो की पावर 46 इसमें चार से भाग देंगे और देखेंगे कि रिमाइंडर क्या बचा, तो चार का इसमें भाग दिया रिमाइंडर बचा दो, यानी दो की घात चढ़ा देंगे दो, यानी हमें रिमाइंडर देखना है, ठीक है। तो इस टाइप के प्रश्न को भी आप लोग कर सकते हैं। अब ये तो हो गई हमारी रिमाइंडर। अब एक क्वेश्चन और ध्यान से देखेंगे, देखिए दो की पावर एक दो, दो की घात दो चार, दो की घात तीन आठ, दो की घात चार यानी 16, चार के बाद आपने दो की घात चढ़ाई पाँच, तो यूनिट प्लेस डिजिट क्या आया, फिर से रिपीट होने लगा है, क्या होने लगा है, यूनिट प्लेस डिजिट रिपीट होने लगा है, यानी दो की घात में एक में दो आया, यहाँ चार आया, यहाँ आठ आया, यहाँ छः आया, यूनिट प्लेस डिजिट चार बार तो आपके अलग अलग आए, लेकिन दो की घात जब आपने पाँच चढ़ाया तो यूनिट प्लेस क्या हो गया, रिपीट हो गया, देखिए कितना हो गया, रिपीट हो गया। तो यानी इनकी साइकिल सिटी कितनी होती है, इनकी साइकिल सिटी होती है चार। अब देखेंगे, अब इसके बाद इसी प्रकार आपको देखना है तीन का, और इसी प्रकार देखना है आपको सात का, और इसी प्रकार आठ का देखना है। अब देखिए तीन का देखेंगे, तो तीन की घात एक बराबर कितना होता है तीन, तीन की घात दो कितना होता है तीतर का नौ, तीन की घात तीन यानी कितना 27, कितना होता है 27, और तीन की घात होती है चार, तो कितना होता है, तीन की घात आप लोग चार करेंगे कितना होता है 81, और तीन की घात करेंगे पाँच तो कितना होगा 243। तो देखिए तीन की घात एक यानी तीन, तीन की घात दो यानी नौ, तीन की घात तीन सात, तीन की घात चार 81, तीन की घात पाँच यानी 243। तो देखिए पाँच यानी पहले से अगर आप चार तक जा रहे हैं तो कोई अंक रिपीट नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे ही तीन की आपने घात पाँच लगाई तो अंक हो गया रिपीट, यूनिट प्लेस डिजिट रिपीट हो गया। इसी प्रकार आप करेंगे किसकी, सात की घात एक क्या होता है सात, सात की घात दो 47, सात की घात तीन कितना होता है 343, इसके बाद सात की घात आप लोग चार करेंगे कितना होता है 2301, ठीक है। इसी प्रकार आठ की घात एक करेंगे क्या होगा आठ, आठ की घात दो 68, कितना होगा 64, आठ की घात की तीन यानी क्यू निकालेंगे 512, और आठ की घात निकालेंगे चार कितना होगा 40, 96। अब देखेंगे यूनिट प्लेस डिजिट चार अंक बाद रिपीट हो रहा है, कितने अंक बाद रिपीट हो रहा है चार अंक बाद। अब यहां देखेंगे सात की घात एक यूनिट प्लस डिजिट आ रहा है सात, सात की घात दो यूनिट प्लस डिजिट नौ, सात की घात तीन यूनिट प्लस डिजिट तीन, सात की घात चार यूनिट प्लस डिजिट एक, यानी आपकी जितनी पावर चढ़ रही है हर बार चार बार, हर बार क्या आ रहा है यूपीडी अलग अलग आ रहा है। ऐसे ही आठ की घात एक किया यूपीडी आठ आया, आठ की घात दो किया चार आया, आठ की घात तीन किया यूपीडी कितना आया दो, आठ की घात चार किया यूपीडी कितना आया, आठ की घात चार किया यूपीडी कितना आया छः आया। अब इकाई के अंक से मतलब है,
पूरे अंक से मतलब नहीं है, सिर्फ इकाई के अंक से मतलब है, इसी प्रकार के आप सॉल्व करेंगे। अब इसकी अगर हम टेबल बनाएं, क्या करें, इसकी अगर हम टेबल बनाएं कि यदि रिमाइंडर क्या बचे, निम्न बचे, अंक आपके क्या हैं, अंक हैं आपके 2, 3 और 7 और 8, कितने हैं, 2, 3, 7 और 8, और रिमाइंडर क्या बचे, रिमाइंडर अगर आपका यहाँ ऊपर से लिख देंगे थोड़ा, रिमाइंडर आपका क्या बचे, 1 बचे, रिमाइंडर आपका क्या बचे, 2 बचे, रिमाइंडर आपका क्या बचे, 3 बचे, रिमाइंडर आपका क्या बचे, 0 या 4, तो घातें क्या लेंगे। अब देखिए, रिमाइंडर अगर 1 बचता है, क्या कि रिमाइंडर अगर 1 बचता है तो 2 की जगह पे क्या लेंगे, 2 आएगा, अगर रिमाइंडर 2 बचता है तो 4, रिमाइंडर 3 बचता है तो 8, और रिमाइंडर 4 होता है तो 16 यानी 6, ऐसे ही 3 में लेंगे, रिमाइंडर 1, 3, रिमाइंडर 2, 9, रिमाइंडर 3, 7, रिमाइंडर कितना, 4 यानी 1। इसके बाद 7 का लेंगे, 7 का रिमाइंडर 1, 7, 7 का रिमाइंडर 2 यानी 9, 7 का रिमाइंडर 3 यानी 3, 7 का रिमाइंडर, अगर रिमाइंडर या तो रिमाइंडर जितना रिमाइंडर होगा उतनी ही घात होगी, 4, तो कितना आएगा, इकाई का अंक 1 आएगा, ठीक है। इसके बाद 8 का 8, फिर कितना होगा, 4, फिर कितना होगा, 2, फिर कितना होगा, 6, ठीक है। तो ये आपके रिमाइंडर हैं। रिमाइंडर का मतलब होता है कि किसी भी घात में अगर हम 4 से भाग दें और जो शेष पल आए वही आपकी क्या होगी, घात होगी। अब एक बात और ध्यान से थोड़ा नोट कर लेंगे कि किसी भी संख्या या किसी भी नंबर की अगर घात 4 होती है, क्या होती है, किसी भी संख्या की घात या नंबर की घात 4 होती है। अब नंबर क्या होंगे, नंबर आपके 2 ही होंगे, या तो आपका ऑड नंबर होगा या आपका नंबर होगा सम, 2 ही नंबर होते हैं, या तो विषम या सम, ठीक है। तो देखिए, यहाँ 2 आपका सम नंबर है, और अगर इसकी घात क्या हो, इसकी घात 4 हो, 2 की घात 4 हो, तो कितना आता है, सम हो तो 6 आता है। ऐसे ही 3 है आपका विषम नंबर, और 3 की घात 4 चढ़ा हो तो कितना आता है, यूपीडी 1 आता है। इसी प्रकार 7 है सम, और इसका अगर घात 4 हो तो कितना आता है, 1। ऐसे ही 8 है आपका सम, 7 विषम है और 8 सम है, तो इसका क्या आता है, 6। यानी किसी भी सम नंबर की अगर पावर चढ़ी हुई है, किसी भी सम नंबर की घात अगर 4 है तो यूपीडी क्या होगा, 6 होगा, और अगर किसी भी विषम नंबर की घात 4 हो तो यूपीडी क्या होगा, 1 होगा। यहाँ तक आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग करेंगे क्या, प्रश्न करेंगे, इस पर आधारित आप प्रश्न करेंगे, जितने भी टाइप के आपके प्रश्न बनते हैं उन्हें आप लोग सॉल्व करेंगे। इसका आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, यूपीडी यूनिट प्लेस डिजिट है, और ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जिसमें नहीं आता हो, यहाँ तक कि सारे एग्जामों में यूपीडी आता है। तो बिल्कुल बेसिक तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है, और क्लास को पूरा देखना है। अगर कहीं कॉन्सेप्ट, अगर आप कहीं भी क्लास को छोड़ते हैं तो इसमें आपकी जिम्मेवारी होगी, आप ही इन प्रश्नों को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब आप लोग प्रश्न लिखेंगे, तो पहला प्रश्न है कि 352 की घात 21 यूपीडी क्या होगा, दूसरा है 56 342 की घात कितना है, 38, इसके बाद है 9372 की घात 8 और 4 इसका लिखेंगे, इसके बाद लिख देंगे कि 872 इसकी घात कितना, 9232503, ठीक है। इसके बाद आप लोग लिख लेंगे क्या, 9572312 इसकी घात 6123981 2, इनके यूपीडी निकालना है कितने आएंगे, सारे बिल्कुल सरल क्वेश्चन है, आराम से निकाल दें। अब देखिए, 352 यानी अब यहाँ से यूपीडी इस 35 का कोई मतलब नहीं है जो आगे लिखा हुआ है, मतलब सिर्फ किसका है, इस 2 का मतलब है,
यानी इस दो का हम आंसर कितना लेंगे, यानी दो की पावर आपकी चढ़ी हुई है 21, इसमें आप भाग देंगे किससे, चार से, तो यूपीडी क्या आएगा, एक आएगा, यानी दो की घात एक बचेगा, रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना बचेगा एक, तो दो की घात एक, तो यूनिट प्लेस डिजिट क्या होगा, दो होगा। ऐसे यहाँ इस आगे के इतने नंबर से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ दो से लेना है, यानी दो की घात कितना चढ़ा हुआ है 38, 38 में हम चार से भाग देंगे, शेषफल कितना बचेगा, नौ चौको 36, यानी रिमाइंडर बचा दो, तो यानी दो की घात दो चढ़ा देंगे, कितना आ जाएगा यूपीडी, चार। ऐसे यहाँ यहाँ दो की घात कितना चढ़ा हुआ है 84, और 84 अगर फोर से भाग दें तो क्या बचता है, कुछ नहीं बचता है, यानी रिमाइंडर क्या बचेगा, जीरो, और रिमाइंडर जीरो बचे तो चार की घात क्या कर देते हैं, या दो की घात क्या चढ़ा देते हैं, चार, और दो की घात चार क्या होता है, छः, दो की घात चार क्या होता है, छः। ऐसे यहाँ लिखा हुआ है। अब आप कहेंगे कि क्या मैं इस दो की घात को कितना लिखा है, 92 32 503, क्या इसको मैं डिवाइड करूं चार से, तो ऐसे नहीं करना है। आप जानते हैं कि भाज्यता का नियम आपने पढ़ा होगा, तो आप जानते हैं कि कोई नंबर लास्ट के दो डिजिट तक कट जाता है, अगर लास्ट के दो डिजिट कटते हैं तो वह पूरा नंबर उस संख्या से कटेगा, या लास्ट के तीन डिजिट कटते हैं तो उससे कटेगा। जब आपको शेषफल प्रमेय पढ़ाऊंगा तो इस टाइप के आपको कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ठीक है। अब देखिए, अब इससे हमें इतनी बड़ी घात चढ़ी हुई है इससे मतलब नहीं है, हमें सिर्फ लास्ट के दो डिजिट लेने हैं, क्योंकि चार का नियम यही कहता है कि लास्ट के अगर दो डिजिट चार से कट रहे हैं तो पूरी संख्या चार से कटेगी, ठीक है। तो ये तीन, अब तीन में चार से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, तीन, तो दो की पावर कितनी चढ़ा दें, तीन, और दो की पावर तीन, यूपीडी कितना होता है, आठ। अब ऐसे ही ये लिखा हुआ है, तो इसके आगे इतने वाले भाग से हमें कोई मतलब नहीं, ऐसे ही इसके यहाँ तक से कोई मतलब नहीं। अब दो की पावर क्या है, दो की घात 12 है, 12 को चार से भाग देंगे, रिमाइंडर क्या बचेगा, रिमाइंडर बचेगा जीरो, तो दो की पावर, रिमाइंडर बच रहा है जीरो, तो दो की घात चार, और दो की घात चार में यूपीडी क्या होता है, छः, ठीक है। तो ये आपके प्रश्न थे। अब इसी टाइप पे मैं आपको कल बहुत ही शानदार तरीके से प्रश्न कराऊंगा, ठीक है। जितने भी आपके प्रश्न बनते हैं इसी टाइप के मैं आपको सारे प्रश्न करा दूंगा। ठीक है, तो आप और भी इसमें प्रश्न देख लें। अब आप लोग प्रश्न लिखेंगे और आप लोगों को भी सॉल्व करना है, ऐसे नहीं है कि मैं अकेले ही सॉल्व करता रहूं, आप लोग भी इन प्रश्नों को हल करेंगे। अब प्रश्न लिखा है कि 532 की घात 83, इसका यूपीडी निकालेंगे, 973 की घात दिया है 8709, इसका यूपीडी निकालेंगे, 9378 की घात दिया है 5321, इसका यूपीडी आप लोग निकालेंगे। इसके बाद दिया है आपको कि 5387 की घात 8086, इसका यूपीडी निकालेंगे। इसके बाद 929 की घात 93, इसका यूपीडी निकालेंगे, ठीक है। तो इनके यूपीडी आप लोग निकाल लेंगे। और यहाँ एक प्रश्न लिख दूँ कि 21 की पावर 21 प्लस 22 की पावर 22 प्लस 23 की पावर 23 प्लस 24 की पावर 24, इसे भी आप लोग सॉल्व करें। अब देखिए सॉल्व कैसे करना है, दो की घात कितना है 83, यानी चार से भाग देंगे, रिमाइंडर क्या बचेगा, रिमाइंडर बचेगा तीन, यानी दो की घात तीन, यूपीडी कितना आ गया, आठ। यहाँ तीन की घात आपकी नौ है, और नौ में अगर चार से भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा, तीन की घात एक, यानी रिमाइंडर क्या बचेगा, एक, तो तीन की घात एक, यूपीडी कितना हो जाएगा, तीन। यहाँ पर है आठ, और आठ की घात चढ़ी हुई है क्या, 21, इसमें देंगे आप चार से भाग तो रिमाइंडर क्या बचा,
रिमाइंडर बचा एक और आठ की घात एक चढ़ा देंगे, कितना आ गया आठ। ऐसे ही सात की घात है 86। लास्ट के दो अंक देखने हैं, 86 है, अगर इसे चार से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, रिमाइंडर बचेगा दो, तो सात की घात चढ़ा देंगे दो, यूपीडी कितना आ जाएगा नौ, सात सतैया 49, इकाई का अंक नौ। ऐसे ही नौ की घात चढ़ी हुई है क्या 93। अब 93 को जब आप चार से भाग देंगे तो नौ एकम नौ, नौ दू नौ एक कितने चार से, चार एकम चार, चार दूनी आठ, बचा एक, एक बचा यानी 13, चार तिया 12, तो रिमाइंडर क्या बचा एक, रिमाइंडर क्या बचा, रिमाइंडर बचा आपका एक, तो नौ की घात चढ़ा देंगे एक, तो यूपीडी क्या होगा नौ, यूपीडी क्या होगा नौ होगा। अब इसी प्रकार इस प्रश्न को सॉल्व करें, इस प्रश्न को कैसे करेंगे कि देखिए एक है और एक का मैंने बताया है कि कहीं भी अगर लास्ट में जीरो हो, एक हो, पाँच हो, छः हो, घात कोई भी हो तो उसका क्या होता है वही होता है, यानी यहाँ तो आपका एक आराम से निकल आया। प्लस इस दो की पावर कितनी चढ़ा हुआ है 22 है, ठीक है, तो इसमें चार से भाग देंगे रिमाइंडर क्या बचेगा, रिमाइंडर बचेगा दो, दो की घात दो यानी यूपीडी कितना हो जाएगा चार। इस तीन की पावर चढ़ा हुआ है कितना 23, 23 में अगर चार से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा तीन, और तीन की पावर तीन कितना होता है 27, यानी क्या आएगा सात आएगा। प्लस यहां चार की पावर 24, यानी चार से भाग दे रहे हैं रिमाइंडर बच रहा है जीरो, यानी चार की पावर चार कर देंगे, चार की पावर जीरो कर देंगे, जीरो क्या होता है, या चार की पावर चार कर दीजिए, कितना होता है सम, और चार की पावर जब सम हो तो क्या होता है छः होता है। अब इन्हें जोड़ दीजिए, सात और छः 13, 13 और चार 17 और एक 18, 18 यूपीडी क्या आ गया आठ, ये यूपीडी यानी यूनिट प्लेस डिजिट है, कितना आ गया यूनिट प्लेस डिजिट आठ आ गया। अब इसी टाइप के और भी अच्छे अच्छे प्रश्न हैं तो इन्हें आप लोग कर दें, इनका स्क्रीनशॉट आप लोग लेते जाएं और बढ़िया नोट्स बनाएं, यूनिट प्लेस डिजिट अब आप इसके बाद कभी भी नहीं भूलेंगे, इतने बेहतरीन तरीके से आपको बता दिया है कि आप कभी भी भूलने वाले नहीं हैं। अब जैसे मैं लिख दूं यहाँ पर 621 इसकी पावर 21 इंटू 622 इसकी पावर 22 इंटू गुणा 623 इसकी पावर 23 इंटू 624 इसकी पावर 24, तो इसका यूपीडी निकालना है कितना आएगा। अब इसको मैंने ऐसे लिख दिया कि 827 की घात 829 माइनस 324 की घात 24, इसका यूपीडी निकालेंगे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 8371 की पावर 71 प्लस 930 की पावर 30 माइनस 54 कितना है 547 की घात 45, इसको आप लोग सॉल्व करें तो इसका कितना आएगा। इनको सॉल्व कर दें इनका कितना आएगा, बिल्कुल आप ही को लगाना है, ठीक है, आराम से क्लास को शेयर कर देंगे और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है, कोई भी नहीं जाएगा, ये आपके लिए, देखिए पसीना आ रहा है, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, गुणा में है, सारी संख्याएं किस में है गुणा यानी मल्टीपल में, अब जब मल्टीपल में है तो इनको कैसे सॉल्व करेंगे, अब आपको ही करना है। देखिए इसका और इसकी घात क्या है, इकाई का अंक एक है, इसकी घात विषम है, तो क्या होगा सेम होगा, विषम हो चाहे सम हो एक का एक ही होता है। अब इसकी घात दो है और दो की घात रिमाइंडर कितना बच रहा है दो, दो की घात यानी चार आ रहा है, तीन, तीन की घात 23 है, रिमाइंडर कितना बचा 23 में चार से भाग दिया रिमाइंडर कितना बचा तीन, और तीन की पावर तीन चढ़ा देंगे आंसर क्या आएगा यानी यूपीडी कितना आएगा सात, और चार की घात 24 में चार से भाग देंगे पूरा पूरा चला जाएगा यानी रिमाइंडर बचेगा जीरो, तो चार की घात चढ़ा देंगे चार, और चार की घात चार हो तो क्या आता है छः। अब इन सब का गुणा कर देंगे, इन दोनों का गुणा कर देंगे, सात छींक कितना हो जाएगा 42, हमें मतलब सिर्फ दो से है, और यहाँ इन दोनों का गुणा कितना चार, और चार और दो का गुणा कितना आठ, तो यूपीडी कितना आया आठ, ये आ गया आपका आंसर, ठीक है।
इसके बाद करना है आपको 7 की पावर कितनी है 29, और 29 में अगर 4 से डिवाइड करें तो कितना आता है 1, तो 7 की घात कितना आ जाएगा 1, यानी यूपीडी कितना आएगा 1। यहाँ 4 की पावर पूरा चला जाएगा सम, यानी 4 की घात चढ़ा देंगे, 0 बचेगा रिमाइंडर, लेकिन घात चढ़ाएंगे 4, तो कितना बचेगा 4, और 4 की घात अगर 4 चढ़ाओ तो यूपीडी कितना आता है 6, कितना बचा 1, यूपीडी कितना आ गया 1। अब इस नीचे वाले को करें, देखिए 1 कितना है 837, 837 की घात चढ़ी हुई है 71, तो इसका 1 है, इकाई का अंक क्या है 1, 1 की पावर कुछ भी हो सेम अंक होता है यानी 1 होगा, प्लस इस 0, इस 0 की घात क्या है, अब 0 की घात कुछ भी हो क्या आएगा 0 आएगा, माइनस इसकी घात कितनी है 7 की घात 45 है, अब 45 को 4 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर बचेगा 1, ठीक है, तो रिमाइंडर 7 की घात कितनी हो जाएगी 1, तो यूपीडी क्या आएगा 7 आएगा। अब बचा क्या 1 माइनस के 7, अब बचा क्या 1 माइनस के 7 बचा, अब यूपीडी क्या होगा, अब ये नहीं करना है कि 1 में से 7, यानी 7 प्लस का है 7 माइनस का है, 1 प्लस का है घटा दे माइनस के 6 यूपीडी आ गया, नहीं ऐसे तो करना ही नहीं है। जैसे मैं आपसे कह दूं कि 51 में से 37 को माइनस कीजिए तो कैसे घटाएंगे, ठीक है, मैं कह दूं कि 51 में से 37 को माइनस कर दीजिए कैसे घटाएंगे, अब कहेंगे आप कि 1 के माने 11, 11 में से 7 चला गया कितना बचा 4, 1 हासिल आई इसमें जोड़ दी कितना बचा 1, यानी 14 बचा, तो यूपीडी क्या आया यूनिट प्लेस डिजिट कितना आया 4। ऐसे ही यहाँ मानना है 1 के माने 11, 11 में से 7 चला गया कितना बचा यूपीडी आ जाएगा 4, यूपीडी कितना आ जाएगा 4 मानना है, नहीं मानना है तो ऐसे कीजिए 1 माइनस 7 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है 1 माइनस के 7, इसमें प्लस कर दीजिए आगे से 10, तो 10 और 1 11, 11 में से 7 कर दीजिए माइनस यूपीडी आ गया 4। जो इकाई का अंक होगा वो धनात्मक होगा ना कि ऋणात्मक होगा, जब भी आएगा धनात्मक आएगा, ठीक है, ऋणात्मक नहीं आएगा। इसका आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अच्छा क्वेश्चन है, इसके बाद दो बेहतरीन क्वेश्चन है, इनको भी आप लोग कर लें। अब करेंगे कि 4 की घात 1 गुणा 9 की घात 2 गुणा 4 की घात 3 9 की घात 4 इंटू डॉट डॉट करके कितना हो जाएगा 4 की पावर 99 इंटू 9 की पावर 100, ठीक है, ऐसे ही यहाँ करेंगे 4 की पावर 1 प्लस 9 की पावर 2 प्लस 4 की पावर 3 प्लस 9 की पावर 4 प्लस डॉट 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 करके प्लस 4 की पावर 99 प्लस के 9 की घात 100। अब इनका यूपीडी निकालना है कितना आएगा, आराम से आप लोग सोचिए और करिए, आप ही को करना है दोस्तों। अब देखिए, अब इस टाइप के प्रश्नों को आप कैसे कर सकते हैं, 4 दिया है और 9, 4 और 9 नीचे दिया है, यानी यहाँ प्लस की श्रृंखला है लेकिन यहाँ मल्टीपल की श्रृंखला है। अब आपको पता है कि 4 और 9 दोनों ऐसी संख्याएं हैं जिनकी साइकिल स्थिति सिर्फ 2 होती है, 2 से ज़्यादा नहीं होती है। अब देखिए बेहतरीन क्वेश्चन है, इसे देख लें आप लोग, अगर मैं 4 की घात ऑड है तो नंबर क्या होगा, वही होगा इनटू
चार की घात सम है, सम है यानी 9×81 तो कितना आएगा, 1 आएगा, इंटू 4 की घात विषम है फिर से 4 आएगा, 9 की घात सम है फिर से 1 आएगा, ऐसे ही डॉट डॉट करके यहाँ भी कितना आएगा, 4 आएगा, यहाँ भी 9 आएगा। ठीक है, अब क्या हो रहा है, 9 नहीं यहाँ पर 1 आएगा। ठीक है, कितनी बार होगा, नंबर कितने हैं आपके, टोटल नंबर हैं 100, तो यहाँ 4 कितनी बार आएगा और 1 कितनी बार आएगा। ठीक है, टोटल नंबर हैं 100 और 4 और 9, 4 9 4 9 4 9 ऐसे करके हैं, तो 4 कितनी बार होगा, 50 बार, 1 कितनी बार होगा, 50 बार, और किसमें हैं, मल्टीपल में हैं, किसमें हैं, ये मल्टीपल में है, तो आप लोग ही बताएंगे कि कितना आएगा इसका। अब देखिए, 4 एक बार, 4 दो बार, यहाँ पे 4 3 4 5 6 49 50 तक है। ठीक है, ऐसे ही एक आपका कितने तक है, 50 तक है, यानी टोटल नंबर आपके 100 हैं, लेकिन इन 100 नंबर में दो नंबर देखना है कि दो नंबर कितने हैं, तो 50 नंबर, तो टोटल नंबर कितने होंगे, जो 4 होंगे वो 50 होंगे, 4 50 होंगे और एक भी कितने होंगे, 50 होंगे। ठीक है, तो अब ऐसे ऐसे करके 4 गुणे 50 इंटू 1 गुणे 50, ये कैसे किया, जैसे आपसे कहूं कि 4 की संख्या 4 बार है, यानी इन 4 को 4 बार जोड़ना है। ठीक है, 4 को कितने बार जोड़ना है, 4 बार जोड़ना है, तो 4 × 4 = 16, या तो 16 कर लो, यानी या तो आप 4 में गुणा 4 का कर लो, या इसी को 4 बार लिख के जोड़ लो। ऐसे ही इस 4 को या तो आप 50 बार जोड़ लो, या आप 4 में 50 का गुणा कर लो, तो कितना हो गया, 4×5 = 20, यानी 200×50। ठीक है, यूपीडी निकालना है, तो 0 का 0 में गुणा होगा तो यूपीडी क्या आएगा, 0 आएगा। अब ऐसे ही यहाँ निकालना है, यहाँ कितना है, 4 की पावर ऑड है, यानी क्या होगा, 4 की पावर ऑड है तो क्या होगा, 4, 9 की पावर सम है तो क्या होगा, 1, प्लस 4 की पावर ऑड है तो क्या होगा, सेम नंबर होगा, और इसकी पावर विषम है यानी सम है, 9 की पावर क्या है, इवन है, तो कितना होगा, 1 होगा। ऐसे ही प्लस करके डॉट डॉट तक, यहाँ पर 4 होगा, यहाँ पर 1 होगा। ठीक है, नंबर आपके कितने हैं, टोटल नंबर आपके कितने हैं, टोटल नंबर कितने हैं आपके, टोटल नंबर हैं आपके, देखिए अब इसको ऐसे निकालना है, यहां पर आपने निकाल लिया, अब यहां पर प्लस लगा है, क्या लगा है, प्लस लगा है, तो प्लस लगा है यहां पर, ये जोड़ना थोड़ी ना है, ये तो नीचे वाले में है, ऊपर वाले में तो प्लस लगा है, या ऊपर वाले में क्या लगा है, मल्टीपल, और जब किसी भी नंबर में मल्टीपल लगा हो तो कॉमन ही तो लेंगे। अब बताइए, 4 × 4 फिर 4 × 4 फिर 4 × 4 फिर 4 × 4, यहाँ पर मल्टीपल है, और यहाँ पर क्या है, 4 + 4 + 4 + 4 + 4 कितने बार, 50 बार, तो गुणा तो यहाँ करेंगे, यानी 4×50 प्लस, अब इसका कर दें, प्लस लगा हुआ है तो प्लस कर दें, कितना करेंगे, 1×50 कितना हो गया, 4×5 = 20, यानी 200 + 50 कितना हो गया, 250, तो यूपीडी कितना आ गया, इकाई का अंक 0, ये तो नीचे करना है, ऊपर क्या करेंगे, ऊपर 4 की पावर 55 कितना करेंगे, 4 की पावर 50 इंटू 1 की पावर 50। ठीक है, 1 की पावर 50 हो चाहे 60 हो चाहे 100 हो, क्या होगा, 1 ही होगा, लेकिन 4 की पावर क्या है, सम है, जब 4 की पावर सम हो, ठीक है, 4 की पावर क्या हो, सम हो, तो यूपीडी कितना आता है, 4 की पावर अगर इवन है तो हम लेते हैं यूपीडी, इसका स्क्वायर कर देते हैं, क्या करते हैं, स्क्वायर, और इसका क्या होगा, 1 होगा, यानी चच्चों को कितना हो जाएगा, 16, 16 × 1 = यूपीडी कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है,
ये ध्यान आपको रखना है। देखिए मिस्टेक जैसे मुझसे हो गई है, ऐसे आपसे भी हो सकती है, ठीक है। आपको अंदर देखना है कि प्लस लगा हुआ है कि गुणा है। अब जो ऊपर करना था वो नीचे हो गया, जो नीचे करना था वो ऊपर हो गया। तो ये हमारे यूपीडी पर जो प्रश्न थे, आज की ये क्लास थी आपके लिए। कल इसके जो भी प्रश्न बनते हैं फैक्टोरियल मिक्स, और अच्छे अच्छे प्रश्न बनते हैं, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न बनते हैं। यहाँ तक कि ऐसे ऐसे प्रश्न बनते हैं कि यूपीडी यूनिट प्लेस डिजिट आदमी निकाल नहीं सकता है। तो मेरे दोस्त आपको अच्छे से करना है। तो मिलते हैं कल तक, कल मिलेंगे इसके बाद। तब तक जय हिंद, जय भारत। बने रहिए और क्लास को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए।